Hello, students. We are going to cover the next module, which is module number 14 of our data science course. this, we are going to cover statistical variables, which is very, very important. Rather, this is the essence of the statistics what variables we are. Variables are basically your numbers, which we are going to, or the data. वी कवर ओवर रेप्रजेंट ओवर डाटा इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल इन स्टेटिस्टिक्स वेरिएबल बेसिकली एक डेटा आइटम है जो कि उसकी डिफरेंट क्लासेज हैं कि आपने उसको किस तरह से रिप्रजेंट करना क्वालिटेटिव है क्वान्टिटेटिव है फिर उसके अंदर कुछ और हमारी जो वो क्लासिफिकेशन है वो मैं भी आपके साथ एक पूरी डायग्राम बनी हुई है वो शेयर करता हूँ तो यू विल अंडरस्टैंड बेटर तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि वेरिएबल हैं वो दो तरह के क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव वेरिएबल हैं वो आपके नंबर्स हैं बेसिकली जैसे हमने शुरू में डेटा टाइप्स डिस्कस की ब्लड ग्रो, ब्लड प्रेशर स्पीड ये सारी चीज़ें हमारी ये नमेरिकल वेरिएबल या क्वान्टिटेटिव वेरिएबल हैं और जो क्वालिटेटिव वेरिएबल वो एट्रीब्यूट्स हैं बेसिकली जैसे हमने बात की थी रेस कलर ब्लड ग्रुप का अगर नाम है तो वो क्वालिटेटिव है जो उसकी जो वैल्यू है वो क्वांटिटी है उसकी यह मैयर है लेकिन उसका जो नाम है इफ़ ब्लड ग्रुप इज़ ए और बी और मेल फीमेल ये सारी चीज़ें जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं तो कोई चीज़ है या नहीं है या किस तरह की है ये आपका क्वालिटेटिव वेरिएबल है इसमें फिर फर्दर क्लासीफिकेशन जैसे आप देख रहे हैं कॉन्टिन्यूस वेरिएबल हैं डिस्क्रीट वे वेरिएबल हैं नॉमिनल हैं और आपके कार्डिनल तो डिफरेंट तरह से हम इनको जो डिफरेंट तरह की हमारी डेटा अवेलेबल है अराउंड अस वो हमारा बेसिकली दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल जैसे मैंने बताया वो चीज इसको वी कैन यू नो काउंट इन टर्म ऑफ नंबर्स इसकी क्वांटिटी क्या है किसी भी चीज़ की जैसे इंडिविजुअल की हाइट है वेट है पॉपुलेशन इन अ सिटी है ये सारे हमारे क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं फिर इसके अंदर डिस्क्रीट और आपके आ जाते हैं कॉन्टीन्यूस डिस्क्रीट वेरिएबल हैं जैसे नंबर ऑफ पर्सन है तो ये वन और टू तो हो सकता है वन पॉइंट टू या वन पॉइंट फाइव नहीं हो सकता तो ये हमारे इस तरह के ये डिस्क्रीट वेरिएबल्स हैं और जो आपके कॉन्टीन्यूस वेरिएबल जैसे ब्लड प्रेशर है इट इट इज़ बेसिकली अ अंटीन्यूस नंबर या आपका यू विल नो अंडरस्टैंड के डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस में क्या फ़र्क है बेसिकली और किस तरह से हम इनको इंटरप्रेट कर सकते हैं किस तरह से इनको यूज़ करते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल जैसे मैंने बात की एट्रीब्यूट्स हैं ये बेसिकली अबाउट डिफरेंट थिंग्स जिसमें हमने बात की आपकी जेंडर की आपकी कलर की आपकी नेशनैलिटी की इस तरह से बेशुमार ऐसी चीज़ें जो कि क्वालिटेटिव हैं जैसे मैंने गुजारिश की कि ये एट्रीब्यूट्स हैं बेसिकली किसी एक चीज़ के एक जो है फर्ज करें कि नंबर ऑफ ट्रीज़ हैं प्लांट्स हैं ट्रीज़ हैं फ्लावर्स हैं ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं डिफरेंट चीज़ों के अगर हम उसको जब गिनते हैं कि कितने फ्लावर हैं वो फिर उसका नुमरिक वैल्यू बन जाती है बट इन इट् इट इज़ अ डिस्क्रीट वेरिएबल ऑर्डिनल वेरिएबल और बेसिकली जो कि ऑर्डर में आते हैं जैसे अगर हम देखें हम एज ग्रुप को कर लें या हम हाइट को कर लें तो ये वो चीज़ें जो कि ऑर्डर में आती हैं और वो होती ऐसी हैं ये हाईएस्ट है ये मीडियम है ये लो है ये एल्डर है ये मिडल है ये यंगर है ये बेसिकली आपकी जो ऑर्डिनल वैल्यूज है ये नेचुरली ये चीज़ें अपने ऑर्डर में होती हैं और इस तरह से इनको फिर आप वो कैलकुलेट करते हैं यूज़ करते हैं मैर करते हैं अपने एनालिसिस के अंदर ये सर्वेज़ में जो है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं जैसे एक एग्जांपल हम दे रहे हैं कि कस्टमर सेटिसफेक्शन का जो सर्वेज़ होते हैं कि वो पूछते हैं कि कस्टमर वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है डिससेटिस्फाइड है एवरेज उसका सैटिसफेक्शन लेवल है इस तरह से मल्टीपल सर्वेस जो आप करते हैं उसमें आप इस तरह का डाटा जो है वो कलेक्ट करते हैं इसी तरह फिर उसमें फ्रीकुनसी तो और दिस इज़ अनदर एग्ज़ाम्पल फिर नॉमिनल वेरिएबल में आपका आ जाता है कि जैसे यही बात थी कि जेंडर रेस आई कलर ये सारी चीज़ें पर ये चीज़ें टोटली इंडिपेंडेंट नहीं है कि एक अगर आपका क्वालिटेटिव वेरिएबल है उसकी क्वांटिटी को भी हम साथ काउंट करते हैं या कर सकते हैं जब उसकी अक्रेंसीज़ को काउंट करते हैं तो वो फिर उसका वो साथ तो दोनों चीज़ें मिल ही आपको अनालिस प्रोवाइड करते हैं बट दिस इज़ जस्ट अ वे ऑफ आइडेंटी आइडेंटिफाइंग डिफरेंट जो हमारे वेरिएबल्स हैं ये जो चार्ट है दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ये आपको एक चार्ट से सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि, कि जो मैं अभी बात कर रहा था कि एक जो इंसान है वो फ़र्ज़ करें एक कोई भी एक पर्सन है तो उसके बच्चे कितने हैं ये नुमेरिकल वेरिएबल है बच्चों की जो है वो अपना बेटियाँ कितनी हैं बेटे कितने हैं वो कहाँ पर रहते हैं यू नो अगर वो पाकिस्तान में रहते हैं तो वो भी क्या क्वालिटेटिव है लेकिन अगर वह हैं कितने तो वो नुमेरिक है आपका इस तरह से आपकी जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं वो देर लिंक विद ईच अदर आर नॉट टोटली एक्सक्लूसिव क्योंकि सिर्फ आप उसको अगर हम जब स्टैटिस्टिकल डेटा की बात करते हैं तो फिर वहाँ पर हमने ये देखना होता है कि अच्छा ये चीज़ अगर ये क्वालिटेटिव है इसकी अक्रेंसीज कितनी है ये कितनी दफ़ा ये चीज़ होगी इसको मैंने यूज़ किस तरह से करना है घर है आपका बिजनेस है बिज़नेस है बिजनेस मैन है उसकी इनकम है उसका टैक्स है तो ये डिफरेंट एटीब्यूट्स हैं जो कि एक सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड है इसी तरह से अगर एक फार्म है तो उसमें अगर वो फ़र्ज़ करें डेयरी फार्म की हम बात करें वहाँ पे कितनी भैंसें हैं कितनी गायें हैं कितनी बकरियाँ है, वो दूध कितना देती हैं कोई चारा कितना खाती हैं तो ये फिर डिफरेंट वेरिएबल्स आ जाते हैं जो कि एक आपकी एक आइंटिटी है फार्म जो उससे रिलेटेड है इसी तरह फिर आपका ऑक्यूपेशन है कि आप फर्ज़ करें आप प्रोड्यूसर हैं आप टीचर हैं आप प्रोफेसर हैं आप डॉक्टर हैं ये एक आपका एक एट्रीब्यूट है एक आपका क्वालिटेटिव डेटा फिर आपकी इनकम कितनी है आप टैक्स कितना पे करते हैं आप कितने पेशेंट एक दिन में देखते हैं या फिर दूसरे आपके क्वांटिटेटिव और कॉन्टिन्यूस आपके डिस्क्रीट ये सारे मैय एक एंटिटी के साथ लिंक है बेसिकली बताना मैं ये चाह रहा हूँ यहाँ पे थ्रू दिस स्लाइड क्योंकि एक एंटिटी विच कैन बी अ पर्सन इट कैन बी अ बिजनेस इट कैन बी अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या इट कैन बी अ फॉर्म इट कैन बी अ पब्लिक और प्राइवेट बिजनेस उसके साथ फिर हर तरह का डेटा उसके साथ एसोसिएटेड होता है जो कि उसको बेसिकली रिप्रेजेंट करता है और उसकी बेस पे हम डिफरेंट तरह के जो हमारे स्टैटिस्टिक्स हैं वो परफॉर्म करते हैं देन वी कंक्लूड डिफरेंट रिजल्ट्स